अपने बच्चों को संस्कार दें, उनको समझाएं कि जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ उसके महत्व को समझो। केवल ऐसा नहीं कि फैशन के चक्कर में आकर के अपनी देश की संस्कृति को मिट्टी में मिला डालो। आजकल के बड़े बड़े बच्चों, बड़े बड़े शहर के बच्चों को, जिनको सो कॉल मॉडर्नाइज कहा जाता है, मैं मॉडर्न होने के खिलाफ में नहीं हूँ। अब भैया दुनिया मेरे कहने से थोड़ी रुक जाएगी, मेरे कहने से थोड़ी जीन्स शर्ट पहनना छोड़ दोगे, वो तो पहनोगे ही, पहनोगे तो ठीक बात है, पर थोड़ा सा तो मर्यादा रखनी चाहिए ना। इतना तो रखना चाहिए कि अगर आज जन्माष्टमी है तो आज हम अपना धोती कुर्ता पहन के माथे पे चंदन लगा करके और तब घर से बाहर निकलेंगे, वो करते नहीं है। चंदन लगा लो तो बड़ी शर्म आती है आजकल के बच्चों को, माथे पे चंदन लगाओ तो लगता रे ये तो बड़े पुराने ख्यालात के नहीं है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है और आध्यात्मिकता के तो कितने गुण हैं वो बता ही नहीं सकते। माथे का चंदन आपके जीवन में क्या से क्या कर सकता है, इतिहास गवाह है। इस महाराष्ट्र की धरती से जितने भी वीर हुए, चाहे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, जब भी अपने युद्ध के लिए निकलते हैं अपने घरों से, अपने महलों से, तो सबसे पहले उनके मस्तिष्क पर तिलक किया जाता, भाल पर तिलक किया जाता, भाल पर तिलक, चंदन रहेगा। साइंटिफिकली तो ये फायदा है कि माथा थोड़ा ठंडा रहेगा, 440 वोल्ट बना रहता है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और दूसरा बोले भगवान, ये जो चंदन होता है ना, ये जो बना हुआ है ऐसे यू आकार का, यू शेप का, ये क्या है बताइए, क्या है वो डिजाइन है? ये ठाकुर जी के चरण है, चरण का जो आकार होता है ऐसे ही होता है ना, ये श्री ठाकुर जी के चरण हमारे माथे पर विराजमान है। तो जब ठाकुर जी के चरण माथे पर है तो फिर दुनिया में किससे डरना, हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। तो जब माथे पर साक्षात त्रिभुवनपति के चरण विराजमान है, ये कोई साधारण बात है, इसलिए चंदन को शर्म मत करें। शर्माना तो बुरे काम में शर्माओ ना, उसमें तो शर्माते नहीं। अब कोई महात्मा जी कह दे कि चोटी रख लो तो नहीं रखेंगे, वहीं कोई एक सिनेमा का हीरो आ जाए वो डिजाइन में चोटी रख ले तो देखो लंबी लाइन लग जाएगी सब बच्चों की, हम भी ऐसे ही रखेंगे। अपनी संस्कृति को कमजोर समझते हैं, हल्का समझते हैं कि ये तो इसमें कोई शक्ति, अरे बड़ी अद्भुत शक्ति है आपके सनातन धर्म में, इसको समझिए। तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सब अपने बच्चों को और अपने मन में राष्ट्रभक्ति बनाए रखें।